ಸ್ವರೂಪಂ ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ಮಾಮಭಾಗಂ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರಂ ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ಯಾದಿ ಹೇತವೇ ತಾಪತ್ರಯ ವಿನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ವಯಂ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರ ವರನೋ ರಘುವರ ವಿಮಲ ಯಶ ಜೋದಾಯಕ ಫಲಚಾರ ತುಲಸಿದಾಸ ಜಿ ಕೆ ಪದ ಕಮಲ ಬಾರಂಬಾರ ಮನಾಯ ಗುಣಗಾವೂ ಸಿಯ ರಾಮ ಕೆ ಹನುಮತ ಲೇತ ಸದಾ ಸುಧಿ ದೀನ ಕೀ ಸಹಜ ದಯಾ ಕೆ ಧಾಮ ಜನನಿ ಜನಕ ರಾಜೇಶ ಕೀ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ. ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ. ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ. ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜಯ. ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜಯ. ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ. ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜಯ. ಸಬ ಸಂತನ ಕೀ ಜಯ. ಸಬ ಭಕ್ತನ ಕೀ ಜಯ. ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ. ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೇಶ. ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಕಥಾ ರಸರಸಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾಲು ಶ್ರೋತಾ ಬಂಧು, ಶ್ರದ್ಧಾಮಯಿ ಮಾತಾವ, ಹಮ್ ಲೋಗ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಭಗವತ್ ಕೃಪಾ ಪಾತ್ರ ಹೇ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ವೃಂದಾವನ ಮೇ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಶ್ರೀ ಪುರಾಣಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇ ಔರ್ ಹಮಾರೇ ಪರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೀ ಅನುರಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಕೆ ಸಂಯೋಜನ ಮೇ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಮಂಗಲ್ಮಯಿ ಭಾವಮಯಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ್ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಜಿ ಕೆ ಕಥಾ ಕೆ ಗಾಯನ ಔರ್ ಶ್ರವಣ ಕಾ ಅಲಭ್ಯ ಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ ರಹೇ. ಪರಂಪರಾನುಕ್ರಮ ಮೇ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಹಮ್ ಲೋಗ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕರೆ, ತದನಂತರ ಭಗವತ್ ಕಥಾ ರಸಮಾನ ಲಾಭ ಬಡೇ ಪ್ರೇಮ ಸೇ ಶ್ರೀ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಜಯ ಸಿಯಾ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಸಿಯಾ ರಾಮ ಜಯ ಸಿಯಾ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी महतो दशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम रामचरित मानस मुनि भावन रामचरित मानस मुनि भावन रामचरित मानस मुनि भावन रामचरित बिरजेउ शंभु सुहावन मुनि भावन राम
मुनि पावन राम चरित भावन मुनि पावन राम चरित बिरछेऊ शंभु चरित मानस मुनि भाव बिरजेऊ शंभु सुहावन भाव राम चरित मानस राम चरित मानस श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण संत शेखर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मुनियों के मन को भी अत्यंत प्रिय लगने वाला यह पावन सुहावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस जिसका नाम है वह देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के द्वारा रचित है। भगवान शिव ने इस ग्रंथ का सृजन भी किया और कथन भी किया। पाय सुसमव शिवासन भाखा तो भगवान शंकर परम वैष्णव हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार वैष्णवा नाम यथा शंभु भगवान शिव परम ज्ञानी है। शिव समरथ सर्वज्ञ सर्व का ज्ञान है और सर्वम खलविदम ब्रह्म इसलिए ब्रह्म ज्ञानी है। वैष्णवा नाम यथा शंभु इसलिए परम भक्त है और परम योगी है। और इसीलिए श्री रामचरितमानस भक्ति ज्ञान विवेक वैराग्य धर्म सभी की दृष्टि से महिमामय है। वृषवारूढ़ रहते हैं देवाधिदेव महादेव इसलिए वे परम धर्म के स्वरूप हैं। ज्ञान भक्ति धर्म तीनों ही भगवान शिव में हैं और उनकी रचना रामचरितमानस में भी है। तीनों ही मिलेंगे भक्ति ज्ञान और धर्म। अब रामचरितमानस की कथा में आज के प्रसंग में गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास पूज्य सतानंद जी आए हैं कि आप अपने शिष्यों और मुनि मंडली के संग स्वयंवर सभा में पधारें। तो गुरुदेव ने कहा
सीय स्वयंबर देखिए जाई सीय सीता जी के स्वयंवर का दर्शन करें, देखें विधाता किसे बढ़ाई देते हैं। अब यहां एक शब्द पर विचार करें, पुष्पवाटिका प्रसंग के पूर्व श्री तुलसीदास जी ने श्री सीता स्वयंवर शब्द का प्रयोग नहीं किया, धनुष यज्ञ का। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, और आए देखन चाप मख, जहां धनु मख है तो भूमि बनाई। आहा, पूज्य श्री पुराणाचार्य जी महाराज विराजमान हो रहे, भगवान की बड़ी कृपा हम लोगों को उनका पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। देखो, स्वयंवर शब्द का अर्थ है जिसमें कन्या स्वयं वर का वरण करे, वर कन्या का स्वयं वरण करे। अब यह स्वयंवर नहीं है कि धनुष रखा है, जो वीर धनुष को तोड़ दे। राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हटते ही। जो धनुर्भंग कर देगा श्री वैदेही जी, उसी को जयमाल पहनावेंगी। यह धनुष यज्ञ तो हो सकता है, स्वयंवर नहीं। इसमें तो निर्णायक धनुष है,
तो स्वयंवर कैसा? इसलिए पुष्प वाटिका में जब श्री सीता जी राम जी का दर्शन करती हैं और राम जी श्री सीता जी का दर्शन करते हैं और दोनों एक दूसरे का मन ही मन वरण करते हैं, श्री सीता जी राम जी को लोचन मग राम ही उर आनी दीने पलक कपाट सयानी, और श्री राम जी परम प्रेममय मृदु मसकीनी चारु चित्त भीति लिख लीनी, जब श्री सीता राम जी एक दूसरे का स्वयं वरण करते हैं इस पुष्प वाटिका प्रसंग के बाद लिखते हैं श्री तुलसीदास जी कि अब ये धनुष यज्ञ नहीं, चाप मख नहीं, धनुमख नहीं, अब तो सी स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहिदो दे ये बढ़ाई। एक यह है और दूसरी बात यह है कि गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर किसे बढ़ाई देते हैं, ईश काहिदो दे ये बढ़ाई। श्री लक्ष्मण जी ने सोचा कि गुरुदेव कल तो कह रहे थे सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम तुम्हारा मनोरथ सफल हो, और आज कह रहे हैं कि ईश काहिदो दे बढ़ाई। कल कह रहे थे राम तुम्हारा मनोरथ सफल हो और आज कह रहे हैं कि देखो विधाता किसे बढ़ाई देते हैं, तो दो तरह की बात हो गई। तो लक्ष्मण जी ने याद दिलाई, लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा परो। आप कहते हैं ईश्वर किसे बढ़ाई देता है, पर हमें तो यह लगता है कि यश भाजन तो वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। हर से मुनि सब सुनी बरबानी सब ही असीस दीन मन माए, सब मुनियों ने आशीर्वाद दिया। अब गुरुदेव स्वयंवर सभा में पधारे, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विसद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपा। उच्च आसन पर आसीन हुए गुरुदेव श्री राम जी और लक्ष्मण जी के संग। अब राम जी तो एक देखने वाले अनेक, देख ही रूप महा लन धीरा, देख ही रूप मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, आ अलग अलग ढंग से सबने देखा, अपने अपने भाव के अनुसार सबने देखा। जो रणधीर थे ऐसे बलवान राजाओं ने श्री राम जी को देखा तो उन्हें ऐसे लगा जैसे साक्षात वीर रस विराजमान हो। अब एक और तो वीर रस, पर योगियों ने कैसे देखा कि जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत सहज समशुद्ध प्रकाशा। योगी परम तत्व के रूप में श्री राम जी को देखते हैं,
उनको राम जी सहज शांत रस के रूप में दिखाई देते हैं। वीर रस के रूप में बलवानों को दिखे, योगियों को परम शांत रस रूप में दिखाई दिए और वैदुष्य संपन्न विद्वजन जब निहारते हैं तो विदुषण प्रभु विराट मय दीसा बहुमुख कर पगलोचन सीसा सहस्त्र सीसा पुरखा, ऐसा विराट रूप में दर्शन होता है प्रभु का किन्हें जो विद्वान है। अच्छा भाई, हरि भक्तन देखे जो भ्राता, भगवान के जो भक्त हैं वे श्री राम जी को इष्ट देव के रूप में देखते हैं। जनक जी के संबंधी जन जनक जाति अवलोक ही कैसे सजन सगे प्रिय लागई, जैसे उनको ऐसे लगता है कि हमारे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। और सहत विदेह बिलो कहीं रानी शिशु सम प्रीति न जाए बखानी। महाराज जनक माता सुनैना ऐसे देखते हैं जैसे कोई नन्हा सा बालक गोद में आ गया हो, शिशु सम प्रीति न जाए बखानी। अच्छा, और जो कुटिल राजा हैं वे कैसे देखते हैं श्री राम जी को, का डरे कुटिल नृप्रभु निहारी मनो भयानक मूरति भारी। राक्षस भी राजाओं का छद्म रूप धारण करके सभा में आ गए थे तो रहे असुर छल छोनिप देखा तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। भगवान उनको काल की तरह दिखाई पड़े पर मिथिला की देवियां कैसे देखती हैं, नारी ये मिथिला की नारियां हैं निज निज रुचि अनुरूप जन सोहत श्रृंगार धरि मूरति परम अनूप। उनको साक्षात श्रृंगार के रूप में राम जी दिखाई देते हैं। अच्छा, यही विधि रहा जाहे जस भाऊ तेहि तस देखेउ कौशल राव। इस तरह जिसकी जैसी भावना थी वैसे ही उसने भगवान का दर्शन किया। अच्छा महाराज, श्री तुलसीदास जी आपने सबके बारे में बताया, अब थोड़ा यह भी तो बतावें कि श्री सीता जी राम जी को कैसे देख रही। श्री तुलसीदास जी बोले यह मैं नहीं बता सकता। राम ही चितव भाय जेहि सिया सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। क्यों? क्योंकि वे स्वयं नहीं बता पा रही और अनुभवती न कह सक सो कवन प्रकार कहे कवि को। पूज्यपाद गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज की पद्य रचना है, प्रिय पाहुने के प्रत प्रीति वधु प्रगटी नहीं घूंघट में ही रही अनुराग उमंग तरंगणी भी तट से न बढ़ी तट ही में रही दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी दृग संपुटी के पट में ही रही घटिका में घटी इतनी घटना फिर भी घट की घट ही में रही। उर अनुभवति न कह सक सो कवन प्रकार कहे कवि को। अब महाराज विदेहराज ने कहा सवंदी जन जनक बुलाए तवंदी जन जनक बुलाए तब वंदी जन जनक जनक बिरदावली कहत चली आए तब बंदी जन जनक बुलाए तब बंदी
गुरुजनों को बुलाया। हमारी प्रतिज्ञा सभी राजाओं को सुनाओ। अब बंदी जन सूचना देने जातो रहे हैं, विदेह राज की प्रतिज्ञा सभा में सबको सुनाने के लिए जातो रहे हैं, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कि श्री सीताराम जी का ही विवाह हो जाए। और केवल बंदी जन ही नहीं, यही लालसा मगन सब लोगो बर सांवरो जानकी जोगो। सखियां आपस में मधुर मधुर वार्ता कर रही। एक ने कहा कि ये राम जी से श्री सीता जी का विवाह हो जाए, लेकिन धनुष तो बीच में है। एक सखी बोली, मैंने तो कल ही कह दिया था विवाह तो इन्हीं का होगा। कल? हाँ, पुष्पवाटिका में क्या कहा था, आए वाटिका के बीच आयस गुरु को पाए, युगल कुमार एक श्याम एक गोरे हैं, पीत पट कांधे धनवान हो सुधारे कर, तोरत सुमन अलिगन चित्त चोरे हैं, सोहत राजेश बर सांवरो सिया के जोग, सीय हैं अनूप राम रूप के न थोरे हैं, मोरे ही पूर्ण प्रतीत होत आल काले, तोरे वो धनुष जाने आज फूल तोरे हैं। जिसने कल पुष्प तोड़े थे ना, आज धनुष वही तोड़े। अच्छा, यह तो ठीक है, पर प्रतीक्षा तो करनी होगी। हाँ, सब चाहते हैं कि श्री सीताराम जी का विवाह हो। महाराज जनक धनुर्भंग की प्रतिज्ञा ही भंग कर दे, पर ऐसा वे करेंगे नहीं। चलो, प्रभु से प्रार्थना है कि शिव धनुष श्री राम जी से ही टूटे। अब बंदी जनों ने सोचा, कहोना तो यही चाहिए जो सब सोच रहे हैं, और होगा भी यही, पर हमसे तो कहा गया है कि धनुर्भंग की प्रतिज्ञा सबको सुनाई जाए। तो बंदी जन बड़े चतुर हैं, चतुराई से बोलते हैं। अब इनकी चतुराई देखो क्या बोले। सुनो 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 सुनो, सभी राजाओं ध्यान देकर सुनो, हम महाराज विदेह राज की प्रतिज्ञा सुना रहे हैं। यह सामने जो शिव धनुष रखा दिखाई दे रहा है, खबरदार इस धनुष के पास कोई मत जाना। अब जनक जी चौंक लो, ऐसा मैंने कब कहा था। जनक जी ने देखा, बंदी जन हाथ जोड़कर बोले, महाराज क्षमा करें, हम आपकी ही बात कह रहे हैं, थोड़ा शैली दूसरी है, दूसरे ढंग से कह रहे हैं। अच्छा, तो ढंग क्या है का थोड़ा धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। अच्छा बोलो। बंदी जनों ने कहा, सावधान सावधान, सभी नरपाल ध्यान देकर सुने, इस शिव धनुष के पास बिल्कुल मत जाना। तो राजा लोगों में भी उत्तेजना हुई, भौ टेढ़ी हुई। एक राजा ने कहा कि हम धनुष के पास नहीं जाएं तो आए क्यों हैं, और आए हैं तो क्यों ना जाएं। बंदी जनों ने कहा कि सुनो, राहु जब चंद्रमा के पास आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और किसी दिन चंद्रमा सोचे कि चलो हम ही राहु के पास चलें तो चंद्रमा का पता लगेगा का नहीं लगेगा। तो बंदी जन बोले, यही हम कह रहे हैं। नृप भुज बल विधु नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। राजाओ, तुम्हारी भुजाओं का बल आइए आई महाराज जी। हाँ,
पूज्य स्वामी जी महाराज का आगमन हो रहा है बारंबार। बंदी जनों ने कहा राजाओ तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है और यह शिव धनुष राहु, अब जाना है तो जाओ। राजाओं ने कहा तुम भुजा की बात कहते हो, हमारे दो दो भुजाएं हैं। बंदी जनों ने कहा यहां 20 भुजा 1000 भुजा वाले चले गए। रावण बाण महाभट भारी, देख सरासन गवही सिधारे, चुपचाप चले गए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोरा। वही शिव धनुष जो तोड़ेगा उसी के गले में जयमाल गिरेगी। कह भी दिया और सावधान भी कर दिया। यह घुमावदार ढंग। एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था, उसके घर मेहमान आया। दोपहर को तो उसने भोजन करा दिया किसी तरह, शाम को भोजन नहीं कराना चाहता था। तो अपने बेटे से बोला कि शाम के भोजन के लिए तब पूछने आना जब हम मेहमान के पास बैठे हो। तो दोपहर बाद पूछने आया कि शाम को क्या भोजन बने, दाल साग क्या। तो वह व्यक्ति बोला शाम को फिर भोजन, अभी हमने थोड़ी देर पहले मेहमान के साथ थी तो भोजन किया था। हम कोई राक्षस हैं जो शाम को भी भोजन करें? हमारी तो इच्छा नहीं है, मेहमान से पूछ लो। मतलब मेहमान भोजन करे तो राक्षस है। बेचारे मेहमान ने भी कह दिया कि रहने दो, इच्छा नहीं है शाम। इन बंदी जनों ने ऐसी चतुराई से बात कही कि विचारवान राजा तो धनुष के पास गए ही नहीं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। लेकिन जो अभिमानी थे वे तो मानने वाले नहीं थे। सुनिपन सकल भूप अभेला के सुनिपन सकल भूप भटमानी अतिशय मन माके सुनिप पन सकल
सकल भूप सकल भूप। प्रतिज्ञा सुनकर अभिमानी राजा बड़ी अभिलाषा से उठे, हम भी बलवान हैं। अजय यहां एक सब व्यंग देख रहे हैं, कौन कहता है कि तुम बलवान हो? अतिशय मन माखे, हमारा मन कहता है कि हम बलवान हैं। इसीलिए तो इनसे धनुष टूटा नहीं। श्री कबीरदास जी ने कहा, कबीरा मोह पिनाक यह बिनु गुरु टूटत नाही। यह धनुष देहाभिमान का रूप है, यह मनमुखी ढंग से नहीं टूटता, यह तो गुरुमुखी ढंग से टूटता है। और इसलिए अब इन राजाओं का मनमुखी ढंग भी श्री तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं। पहला काम क्या किया इन्होंने? परिकर बांधी बांधे 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 परे कर बांधे उठे अकुलाई परे कर उठे पहले कमर कसी, फिर उठे और फिर चले और अंत में इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को प्रणाम किया। तो जो काम पहले करना चाहिए वो सबसे बाद में किया, इष्ट देवताओं को पहले प्रणाम करना चाहिए। पर एक संत का भाव है कि इन्होंने इष्ट देवताओं को प्रणाम किया ही नहीं। तो हमने उनसे पूछा, लिखा तो है चले इष्ट देवन सिरुनाई, तो वो संत कहने लगे कि इसका दूसरा अर्थ है। तो हमने पूछा क्या? का अनेक राजा धनुष तोड़ने आए हैं और सभी के अपने अपने इष्ट देव हैं, तो सब देवता आकाश में प्रकट हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि हमारे भक्त भी आए हैं धनुष तोड़ने, और ये धनुष तोड़ने जाएंगे तो हमें प्रणाम जरूर करेंगे। तो दूसरे देवता ने कहा कि हमारे भी भक्त हैं, वो हमें प्रणाम करके जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो इनके इष्ट देवता कर रहे थे प्रतीक्षा, इतने में एक राजा ने कमर कसी, तो दूसरे ने देवता ने कहा कि देखो तुम्हारे भक्त ने तो कमर कसली प्रणाम नहीं किया। कहा भी कमर कसी उठे थोड़े ही हैं, परिकर बांधी उठे, वो तो उठकर खड़े हो गए प्रणाम नहीं किया। अरे कहा भी उठे हैं चले थोड़े ही हैं, जाएंगे तो प्रणाम करके जाएंगे। लेकिन जब चले गए तो इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं ने अपने अपने सिर झुका लिए कि धन्य हो ऐसे भक्त हमें और कहां कहां मिलेंगे। ये उन संत का भाव है। अच्छा आप ये सोचो, जिनके इस व्यवहार से उनके पूज्य जनों के सिर शर्म से झुक जाते हों, उनसे समाज की समस्या के समाधान की आशा कैसे की जा सकती है? ये मनमुखी है।
अच्छा, लेकिन चलो यह भी सोचें कि इन्होंने इष्ट देवों को प्रणाम नहीं ही किया, मान लो, पर इष्ट देवों को तो इनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन प्रणाम नहीं किया तो उस कारण वे कृपा ही करना छोड़ दें। इष्ट देवों के साथ भी कठिनाई है। आप कल्पना करो कि अनेक राजा यहां एकत्रित हुए हैं, उनमें से 100 राजा ऐसे हैं जो श्री गणेश जी के भक्त हैं। अब एक राजा जा रहा धनुष तोड़ने, तो वह दूसरे राजा से कह रहा है, एक राजा धनुष तोड़ने जा रहा है तो वह गणेश जी से प्रार्थना करता है, हे गणेश जी महाराज, हमसे धनुष तोड़वा देना, हमसे धनुष तोड़वा देना। तो सभा में जो 99 राजा और बैठे हैं गणेश जी के भक्त, वे कह रहे हैं, हे गणेश जी महाराज, इससे धनुष मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी के साथ बड़ी समस्या यह है कि वे एक की सुने कि 99 की। और मजे की बात यह है कि जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में शामिल हो जाता था। वो कहता था, गणेश जी महाराज, हमसे धनुष नहीं तोड़वाया सो कोई बात नहीं, लेकिन अब इससे मत तोड़वाना, नहीं हमारी बड़ी हंसी होगी। तो 99 तो पूरे के पूरे बने रहते थे। परिणाम यह कि किसी से धनुष हिला तक नहीं। अच्छा, अब इन लोगों ने सोचा कि धनुष एक से तो हिल नहीं रहा, किसी एक से नहीं हिल रहा, तो एक काम करें, क्या इकट्ठे हो जाएं, एक ही बारा भूख सहस दस लगे उठावन टरई न टारा। कितने राजा इकट्ठे हुए? 10,000। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये इकट्ठे हुए कि एक हुए। एक होना अलग बात है, इकट्ठे होना अलग बात है। एक होना महानता है, इकट्ठे होना मजबूरी है। अब किसी एक से धनुष नहीं टूट रहा था तो इकट्ठे हो गए, पर हम कभी इकट्ठे होने वाले वालों को एक न समझ लें। बहुत लोग इकट्ठे होकर भी एक नहीं होते। यहां एक होते हैं वहां भक्ति भाव होता है, जहां इकट्ठे होते हैं वहां भीड़ होती है, और भीड़ के आगे एक ही शब्द है, भाड़। भीड़ भाड़ लोग बोलते हैं। देखो, जब हृदय मिलते हैं तब हम एक होते हैं, और जब हाथ मिलते हैं तब हम इकट्ठे होते हैं। हाथ के साथ सबसे बड़ी समस्या ये, कब कौन हाथ मिला ले, कब कौन हाथ खींच ले। उन्होंने हाथ खींच लिया। क्यों खींच लिया? हाथ बनाने के लिए ही हाथ मिलाया था, हाथ बन गया तो हाथ खींच लिया। हमारे यहां हृदय का मिलन, हृदय से। लेकिन चलो हाथ से ही सही, मिलते तो हैं, हाथ ही मिले तो भी ठीक। अब हाथ मिलने भी बंद हो गए। अब आजकल हाथ मिलते नहीं, आजकल हाथ हिलते हैं। साफ साफ कहते हम तुम्हारे नहीं, तो सामने वाले भी कहते कि हम तुम्हारे नहीं। हम इतने इकट्ठे हो गए कि एक हो नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इन कथाओं की आवश्यकता है
कि हम कथा में इकट्ठे होकर जाएं पर एक होकर लौटें, इसके लिए राम कथा है, इसके लिए श्री कृष्ण कथा है। अच्छा इकट्ठे इसलिए भी, अच्छा ये 10,000 राजा मान लो मिलकर धनुष तोड़ दें तो विवाह तो एक का ही होगा, और वो एक कौन होगा? है? वो एक कौन होगा? तो ये राजा लोग बोले हमने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया? कहा हमने ये फैसला किया है कि पहले तो मिलकर धनुष तोड़ लो, फिर जो जीते फिर बाद में लड़ेंगे, और जो जीतेगा उसी के गले में जयमाल गिरेगी। जो जीतेगा, जो तो जिन्होंने पहले ही ये फैसला कर लिया है कि बाद में तो लड़ना ही है, तो वो एक कहां है? इकट्ठे हैं। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने व्यंग किया, भूप सहस 10 1 ही 12, 10,000 राजा इकट्ठे हुए, और 10,000 में व्यंग यह है कि अगर अंकों की दृष्टि से लिखा जाए तो इसमें अंक है सिर्फ एक, बाकी है 4 0। व्यंग यह है कि ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को एक समझे बाकी सबको शून्य समझे, आज की भाषा में ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को हीरो समझे और बाकी सबको जीरो समझे, तो ऐसे संगठन से काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए इन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं। पर ऐसे समय में कोई बुद्धिजीवी होता है जो चिंतन करता है, और महाराज जनक वयोवृद्ध हैं, महाराज जनक ज्ञान वृद्ध हैं, महाराज जनक ने देखा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वे बिना हिले मानते नहीं। अच्छा धनुष तो राम जी से हिलेगा, और राम जी अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और राजाओं से धनुष हिलना नहीं है, वे बिना हिले मानते नहीं है। और समाज में अव्यवस्था तभी पैदा होती है कि जिससे काम हो सकता है वो तो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। बोलो भाई, जिससे हो सकता है वह करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। तो जनक जी ने सोचा राम जी खड़े हो जाएं तो धनुष उठ जाए, पर धनुष खड़ा, धनुष उठे कैसे? का राम जी खड़े हों, का राम जी कैसे खड़े होंगे? का लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएं। तो राम जी बड़े भैया हैं, लक्ष्मण तो छोटे भैया हैं, तो लक्ष्मण जी के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े हों? का इनका एक संबंध है। रघुपति की रे प्रेम पताका, रघुपति दंड समान भयऊ जस जाका, रघुपति की रति रघुपति की रति रघुपति की रति। राम जी का यश झंडे के समान,
और लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान, झंडा आस्था का स्वरूप है और डंडा व्यवस्था का स्वरूप है, ये दोनों साथ। झंडा कितना ही महान हो, कितना ही पूज्य हो, डंडा न लगा हो आकाश में लहरा ही नहीं सकता है। जनक जी ने सोचा कि डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अभी लहरा जाए, तो डंडा खड़ा हो कैसे, का दो चार क्रोध की बातें करो, अभी डंडा खड़ा हो जाए। तो जनक जी बोध में रहते हैं लेकिन ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो। बोले वचन रोष जनु साने, और बोले क्या, अब जनको माखे भटमाने, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। और ये कहकर देखा किधर, लक्ष्मण जी की तरफ, असर हो रहा है कि नहीं। भाई बोलने वाला तो जिसके लिए बोलता है उसकी तरफ देखता है कि असर हुआ कि नहीं। एक गांव में एक महात्मा गए, एक विचित्र आदमी उनके पीछे, उसके महात्मा जी के पीछे पड़ गया, बोले महाराज चेला बना लो, दीक्षा दे लो। समझाया संत ने कि चलो भगवान का नाम लिया करो, दीक्षा हो गई। दीक्षा शिष्य बनते ही बोला कि अब हम शिष्य हैं तो हमको कुछ सुनाओ। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा राम राम किया करा रे, कहा ये तो साधारण बात है, ऊंची बात। तो गुरु जी ने कहा कि रामायण बोले भागवत राम ये सब ऊंची। गुरु जी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरु जी ने कहा कि गीता, बोले हाँ ये कुछ चल सकता है, वही सुना। तो गुरु जी बोले गीता तो कल सुनाएंगे, आज महात्मा सुनाते हैं। तो महात्मा का एक श्लोक में भी एक आधा हिस्सा, सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदना, ये सभी उपनिषद गाए हैं और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़ा है, गीता ज्ञान ही दुग्ध है, ऐसे गुरु जी ने सुनाना शुरू किया। अब चेला कहे वाह 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 महाराज वाह, बहुत सुंदर बहुत उत्तम। अब गुरु जी का उत्साह और बढ़ा, सुनाते गए एक आध घंटे बोलते रहे। बाद में गुरु जी बोल चुके तब कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोले हमें समझ में ना आया, हमें, आप कम समझाते हम ज्यादा समझते। गुरु जी बोले कि बस हम ही नहीं समझ पाए, तुम तो सब समझ ही गए। बोले कि फिर भी, बोले और तो सब समझ में आया, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आप बार बार कह रहे थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा कौन थे यह समझ में नहीं आया। दो गधा तो, दो गधा। तो गुरु जी ने माथा पीटा का उत्तर नहीं दिया, दो गधा कौन? गुरु जी बोले एक हम और दूसरे तुम, एक न सुनाई एक नहीं देखा। तो कहने वाला देखेगा कि असर हुआ कि नहीं। तो जनक जी बोले और लक्ष्मण जी की तरफ देखे, अब शब्द देखो कितना सुन। अब जनिको माखे भटमानी, माखे माखे माने अभिमान न करे। और ये कहकर जनक जी ने जब लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी ने उसी शब्द को पकड़ लिया, माखे लखन कुटिल भई भो है रद पुट फरकत नयन रिसो है। जनक जी बोले कोई अभिमान न करें। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करें, हम करते हैं। लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है, बहुत टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, उठकर खड़े हुए। जनक जी ने देखा, मन में बड़े खुश हुए, अब डंडा खड़ा हो गया तो झंडा लहरा जाएगा। अब भैया, अच्छा एक बात आपने अनुभव की होगी,
आजकल जितने क्रोधी हैं सब अपने को लक्ष्मण समझते हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूं, इतने दुबले पतले हैं, कोई स्नान भी एकांत में करते हैं, एक एक नस नाड़ी शरीर की दिखाई दे, इतने दुबले। पर वो जितने दुबले हैं उतने ही बड़े अभिमानी हैं। एक दिन उनको क्रोध आ गया, इतना जोर से क्रोध आया, कांप रहे क्रोध में, और बीच बीच में कहे फिर हम लक्ष्मण हैं, फिर हम लक्ष्मण हैं। हमको हंसी लगी कि ये नहीं कह रहा कि हम क्रोधी हैं, क्रोध में कांपे, हम लक्ष्मण हैं। अरे हमके रहने दे, तेरे ही जैसे होते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी क्रोध करते थे तो धरती कांपती थी, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। हमने कहा तू तो स्वयं कांप रहा है, मैं तो कहता हूं लक्ष्मण जी से अगर कोई क्रोध करना सीख ले तो जीवन धन्य हो जाए। कैसे? लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया, लेकिन क्या क्रोध में बोलने लगे तुरंत? ना, कहीं ना सकत रघुवीर डर लगे वचन जनु बाण। जनक जी के वचन बाण की तरह तो लगे, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के डर से नहीं बोलते। क्या अद्भुत उदाहरण है, जब क्रोध में भगवान का डर बना रहे, क्रोध में भगवान का डर बना रहे, तो क्रोध के कारण कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। अब बोले बिना रहा नहीं गया, तो नाई राम पद कमल से। हम कैसे कहेंगे लक्ष्मण जी जोश में हैं कि होश में? वे कहते हैं बात बाद में करूंगा, पहले राम जी के चरणों में प्रणाम कर लो। नाई राम पद कमल सिर, राम जी के चरण कमलों में प्रणाम करके बोलते हैं। आज तक किसी ने क्रोध में कहा कि पहले भगवान के मंदिर में प्रणाम कर आए फिर तुमसे बात करें? यह लक्ष्मण जी। और बोले क्या, कही जनक जस अनुचित बाणी, कही जनक जस अनुचित बाणी, कही जनक जस अनुचित बाणी। रघुवंशी वीरों में जहां कोई एक बैठा हो ऐसी बात कोई नहीं बोलता, इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है? किसी ने लक्ष्मण जी कर, लक्ष्मण आप कहते हैं कि जनक जी ने अनुचित बात कही है, तो आपने कौन सी उचित बात कही? जनक जी ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, आप बालक हैं। जनक जी के वाक्य का उत्तर विश्वामित्र जी देते तो शोभा थी, आप बालक होकर कैसे बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा कि यहां बड़े और बालक की बात नहीं है, वृद्ध और बालक का प्रश्न नहीं है, यहां मेरी ही भूमिका है बोलने की। कहा क्यों? कहा यहां राम जी, रघुनाथ जी, रघुवीर, रघुराज नहीं बैठे, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहां रघुवंश मणि बैठे। राम जी हैं रघुवंश मणि, और लक्ष्मण जी ने कहा हम हैं फणि, शेष सहस्त्र शीष जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण, हम शेषावतार फणि हैं। अरे जब मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणि नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा?
फणी को तो तब बोलना ही चाहिए जब मणि पर आपत्ति आवे। तो हमारे श्री लक्ष्मण जी ऐसे फणी हैं कि वैसे तो ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर राम रूपी मणि पर आपत्ति आवे तो ये फणी फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा बोलिए तो बोल क्या रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए। जो रावण अनुशासन पावो, जो रावण अनुशासन पावो, जो रावण अनुशासन पावो, जो पावो, जो अनुशासन कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, अनुशासन पावो, जो रावण अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लू। और लक्ष्मण जी ने जो कहा कि गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लू तो सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने बगल वाले राजा से कहा कि सुन रहे हो, दूसरा बोले क्या, अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है तो अपना क्या होगा। तीसरा राजा बोला ब्रह्मांड में कौन अपन अकेले ही उठेंगे, जो सबका होगा सपना होगा। चौथा राजा बोला कि हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो। जनक जी भी कह रहे थे तजवास निज निज गृह जाओ, हमने पहले ही कही थी घर चलो, अब यहां बैठे हैं तो आ गई मुसीबत। तो पांचवा राजा बोला क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है। पहला राजा बोला यहां तो सब इकट्ठे हैं, तो जो होगा सबके साथ होगा। और फिर एक बात यह भी है, क्या लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। और लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जीवी काचे घट जीव भारो, काचे घट जीव भारो, काचे घट जीव भारो, काचे घट जीव सकाऊ मेरु मूलक इव जीवन डारो घट घट जीवन
कच्चे घड़े के समान खोल डालूंगा ब्रह्मांड को। बस बस राजकुमार, ब्रह्मांड को ही फोड़ डालोगे तो हम सबकी क्या दशा होगी। लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, क्योंकि बनाने वाले भी तो बगल में बैठे हैं। लव निमेश ब्रह्मांड निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। अच्छा, यहां एक संकेत बड़ा सुंदर है। घड़े की तरह तो ब्रह्मांड को लक्ष्मण जी फोड़ रहे हैं, पर पके घड़े की तरह नहीं, कांचे घट जी में कच्चे घड़े की तरह। क्योंकि कच्चा घड़ा फूटे तो उससे कुछ बनता भी है, और पक्का तो टूटता है फिर उससे कुछ बनता नहीं। तो ब्रह्मांड फिर भी बनाना है। किसी ने कहा कि बात धनुष की हो रही है, आप ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। कुछ लोग जरा ज्यादा ही समझदार होते हैं। एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा और अपनी गठरी सिर पर रखे। किसी ने कहा कि रेल में बैठे हो तो गठरी सिर पर क्यों रखे हो? तो कहने लगा पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपने ऊपर भी होना चाहिए। अब इससे ये पूछो कि सिर पे गठरी रख भी ले तो क्या वजन रेलगाड़ी पे नहीं है? जब लक्ष्मण जी ब्रह्मांड ही उठा रहे हैं तो धनुष कहीं अलग रखा है। पर कहा नहीं, धनुष के बारे में बात करो। तो लक्ष्मण जी बोले सुनो, कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धाव, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करो, जो न करो प्रभु पद सपथ, करन धरो धनु भाथ, चाप चढ़ावो कमल नाल, चाप चढ़ावो कमल नाल जी, चाप नाल जी, चाप चाप चढ़ावो कमल नाल जी, चाप चढ़ावो कमल नाल जी, चाप नाल जी, चाप। लक्ष्मण जी ने कहा कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जा सकता हूं, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूंगा। राम जी ने कहा इतनी ताकत है। अब इस प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता यही, राम जी ने कहा इतनी शक्ति है कि गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लो, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो, कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन ले जाओ, और छत्रक दंड की तरह धनुष का खंडन कर दो, इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये मैंने कब कहा कि मुझ में इतनी शक्ति है? मुझ में शक्ति नहीं है। अच्छा नहीं है तो काम करोगे कैसे? ये तो वैसी बात हुई जैसे कोई कहेगा आज यह भी खरीदेंगे, आज यह भी खरीदेंगे, दुकान बड़ी अच्छी है, सामान बहुत बढ़िया बढ़िया है। दुकानदार कहे कि जेब में पैसे हैं, पैसे जेब ही नहीं है तो खरीदोगे कैसे? एक आदमी अपनी घोड़ी की बड़ी तारीफ करता था, महाराज चलती है तो हवा से बातें करती है, रंग ऐसा कि देखते रह जाओ,
कान तो ऐसे मिले हुए, उसमें गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। तो लोग उत्सुकता से पूछते क्या कमी है, तो धीरे से कहता मर गई। लक्ष्मण जी भी बोले जा रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड उठाऊं, कच्चे घड़े के समान फोड़ूं और कमलनाल की तरह धनुष को चढ़ाऊं, संयोजन ले जाऊं और छत्रक दंड की तरह तोड़ूं। राम जी ने कहा ताकत है, शक्ति है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले नहीं तो करोगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पूरी बात सुनो, तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, आपके बल पर, मुझे ताकत की क्या जरूरत है? पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं, कूलर कहे कि हम हवा दे सकते हैं, बल्ब कहे कि हम उजाला दे सकते हैं, और बिजली कहे कि हम जा रहे हैं, तो बिजली के कारण ही तो वह हवा दे सकता, वह प्रकाश। लक्ष्मण जी ने कहा करेंगे हम, पर होगा तो आपके ही द्वारा, सत्ता तो आपकी है, शक्ति तो आपकी है। तव प्रताप बलनाथ, अरे मेरे बल पर इतना भरोसा है महाराज, अगर ऐसा न कर दूं तो कर्ण धरो धनुभात, आज के बाद धनुष बाण हाथ में धारण नहीं करूंगा। और लक्ष्मण जी ने जब यह वचन कहे तो डगमगान मही धरती हिल गई, धरती के हिलने से सब हिल गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी उसी तरह बोले कि प्रभु दो अभी भी नहीं हिलते। कहा कौन? कहा सब तो हिल रहे हैं पर दो नहीं हिल रहे हैं। कहा कौन? बोले एक धनुष और दूसरे आप। न धनुष अपनी जगह से हिलता है, ना आप अपनी जगह से। और सूर्योदय अगर देर से हो तो किसे कष्ट नहीं होगा? भगवान ने कहा लक्ष्मण ठीक कहते हो, तो सूर्योदय क्या है? कहा आपका प्रभाव ही सूर्य है और ये धनुष ये अंधकार है, चाप तम भारी, और आपका प्रभाव रूपी सूर्योदय देर से हो रहा है, उसे तो हो ही जाना चाहिए था प्रकट अब तक। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण बात तुम्हारी ठीक है, पर सूर्य भी किसी की प्रतीक्षा करता है। किसकी? कप्राता काल ब्रह्म वेला में पूर्व दिशा की ओर देखो तो सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, अरुणोदय सकुचे कुमुद, पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है तो लोग समझते हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण अगर मेरा प्रभाव सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो, जब तक तुम प्रकट ना हो जाओ तब तक मेरा प्रभाव कैसे प्रकट हो जाए। और लक्ष्मण जी गर्म हो गए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो लक्ष्मण जी वैराग्य हैं और वैराग्य गर्म अच्छा रहता है, वैराग्य ठंडा ठीक नहीं। अजय गुरुदेव अभी तक नहीं बोले, अब बोले। गुरु जी भी शिष्य को उपदेश तब करते हैं जब वैराग्य गर्म हो, क्योंकि यह तो सही है बिनु गुरु होए कि ज्ञान, पर ज्ञान की होए विराग बिन। ये शुभ समय है विश्वामित्र समय शुभ जानी, भोले अति स्नेह मय बानी, उठव राम भंजो भव चापा, उठव राम भंजो भव चापा, उठव राम जनक परि परिता भव चापा, उठो राम भंजो राम भंजो राम भंजो। राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। गुरुदेव यही नहीं कहते कि प्रयास करो, खंडन कर दो,
क्योंकि गुरुदेव निश्चयात्मक बात कहते हैं। राम जी समझ गए कि धनुष तो टूट गया, अब मुझे तो केवल छूना है। गुरुदेव के संकल्प में तो टूट ही गया, उठो राम भंजहु भव चापा। और राम जी सबसे पहला काम क्या करते, सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, परिणाम हरस विषाद न कछूर आवा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का परिणाम न हर्ष है न विषाद है, दुखे सु अनुद्विग्न मन सुखे सु विगत स्प्रहा। न मन में हर्ष न विषाद न राग न रोष। अच्छा जब यह नहीं है तो यह मन में हर्ष विषाद ना हो, सहजता का भाव हो, यह गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का परिणाम है। यह प्रयास से यह स्थिति नहीं मिलती, यह तो प्रसाद से स्थिति प्राप्त होती है। अजय जब हर्ष विषाद नहीं तो दशा कैसी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल चले सकल चले सकल। अजय राम जी कैसे जा रहे, मनो मंजु बर कुंजर गामी। अच्छा सहजता में हाथी का उदाहरण क्यों दिया, शायद इसलिए हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती, झूमते हुए जाते। अच्छा उसकी चाल में हमेशा ही मस्ती है, पर आपने अनुभव किया होगा, हम लोगों ने गांव का जीवन जिया है, वहां ऐसे दृश्य देखे जाते हैं, गांव में एक हाथी आ जाए, गले की घंटियां टन टन बजी, बालक उत्सुक होकर हाथी देखना चाहते हैं, महावत बैठा है हाथी को लेकर आ रहा है, पर गांव के जितने वयोवृद्ध श्रद्धालु सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अभी भी जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज, बच्चों से कहते हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं, गणेश जी हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि भारत का वैभव देखना हो तो शहरों में देखना चाहिए, और भारत की श्रद्धा भक्ति भावना देखनी हो तो गांव में देखना चाहिए। एक सज्जन मुझसे कहने लगे कि सब जगह घूमते हो तो गांव और शहर में क्या अंतर है, अपने अनुभव के आधार पर बताओ। तो मैंने कहा भैया मैं कोई चिंतक या विचारक नहीं हूं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो अब मैं अपने अनुभव के आधार पर एक बात कह सकता हूं कि शहर के और गांव के भाव में एक ही अंतर है। गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं, बस इतना ही अंतर है। धन्य है वे गांव जिन जिन गांव के लोगों को हाथी में भी गणेश जी दिखते हैं, और बेकार की है वो पढ़ाई जिन पढ़े लिखे लोगों को गणेश जी में भी हाथी दिखे। सारे श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज, आनंदित हो जाता है हृदय उनकी श्रद्धा देखकर। और हाथी के अतिरिक्त शायद कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हैं जितने हाथी के लिए जोड़े जाते हैं। पर दूसरी विडंबना भी आप वहीं देखोगे, यह सही है कि जितने हाथ श्रद्धा बस गणेश जी के भाव से हाथी के लिए जोड़े जाते हैं उतने और किसी पशु के लिए नहीं जोड़े जाते हैं। पर दूसरी विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े आगे खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए इसके पीछे पड़े होंगे।
अच्छा, हमको आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी है? कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी है? अब कुत्ते हमारी बोली समझते नहीं, हमें उनकी बोली समझ में नहीं आती, पर मुझे तो लगता है कि अगर उनकी बोली हम समझ पाते तो हम तो जरूर पूछते कि तुम्हें हाथी से क्या परेशानी है। तो कुत्ते शायद एक ही उत्तर देते कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं। का फिर क्यों भौंकते हो, इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते कह दे कि हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं। का फिर बोले, हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे। इतनी सी बात है। इसका अर्थ यह है कि जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। जिसकी स्तुति होगी उसकी निंदा होगी। अच्छा, एक और बात है, कुत्ते कभी हाथी के आगे आकर नहीं भौंकते। कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आकर भौंकें। आगे आकर भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। ये दो तरह की बात हुई, स्तुति भी और निंदा भी। लेकिन अब तीसरी बात सुनो, हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती, झूमता हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रहेगा उसी की चाल में मस्ती बनी रहेगी। राम जी हृदय कैसे हरस विषाद न कछ उर आवा, इसलिए सहज ही चले सकल जग स्वामी, यही उत्तमा सहजावस्था। इसी को श्री कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी दिन दिन अधिक चली। माता सुनैना को संदेह हुआ, यद्यपि जनक जी ने भी कहा, एक संत का भाव है, श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज इन्हें धनुष तोड़ने के लिए मत जाने दीजिए, शुभ मंच पर देव भविष्य लिए, यह शिष्य सभा सरसाती रहे, इनसे नहीं चाप विनीत चढ़े, यह रीत प्रतीत की थाती रहे, इन्हें मत भेजिए, इनसे धनुष टूटेगा नहीं। विश्वामित्र जी बोले, नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा, जाने दीजिए। जनक जी ने कहा कि धनुष नहीं टूटेगा तो ये उदास हो जाएंगे। मुख कमल जो अभी प्रसन्न दिख रहा है वो आह्लादित नहीं रहेगा। तो मुझे सोच निराश भये शिशु की, न प्रसन्न मई दुति जाती रहे। विश्वामित्र जी ने कहा, ऐसे ही सबको रोकोगे तो तुम्हारे प्रण की पूर्ति कैसे होगी? तो जनक जी आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रण की वह पूर्ति पुजे न पुजे, यह मूर्ति सदा मुस्काती रहे। पर विदेहराज को समझाते हैं विश्वामित्र जी, और माता सुनैना संदेह करती है, सोधनु राज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंदर नहीं। तो उनको सखी कहती, तेज बंत लघु गनिय न रानी। तो सखी वचन सुनी भय पड़ती थी, छोटे लोग तेजस्वी हों तो उनको छोटे रूप में नहीं देखना चाहिए। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहां बसकर अंकुश खर्व। इसलिए सखी वचन सुनी भय पड़ती थी। पर श्री सीता जी तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय बिनवत जेही ते, मन ही मन मनाव अकुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवान, गणनायक वरदायक देवा।
आज लगे कीने तू सेवा फूलन की माला हाथ फूली डोले आली साथ उझकी झरोखा झांकी नंदनी जनक की देखी के पिया की शोभा सियाजू का मन लोभा एक टक रह गई जैसे पुतरी कनक की फूलन की माला हाथ फूलन की माला हाथ फूली डोले आली 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 फूलन की माला कुंवर है किशोर गात कहे को पिता से बात छाड़ दो प्रतिज्ञा तात धनुष तोरण फूलन की माला माला श्री सीता जी प्रार्थना करती हैं हो प्रसन्न महेश भवानी हे शंकर भगवान आप प्रसन्न हो जाएं धनुष आपका है हे भवानी माता।